हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे नीट एंड जेई इंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि आपका नीट एंड जेई एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन के लिए 7 राज्यों के सीएम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इसलिए आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एनटीए का फैसला क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या आया हुआ है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस है या फिर नहीं है। देखिए देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें कहा गया है जेई नीट पर सोनिया ने की विपक्षी दलों के साथ बैठक। तो विपक्षी दलों के साथ बैठक की है, ममता ने दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये राज्यों के सीएम हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। और आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें कहा गया है जेई नीट के लिए सितंबर में होने जा रही टेस्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। तो कितने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस वर्चुअल बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 को लेकर देश में बनी स्थिति के चलते परीक्षा स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का सुझाव दिया है, इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए आज की न्यूज में आया है परीक्षा स्थगित कराने को 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। नीट जेई पर विपक्ष की घेराबंदी, तो विपक्ष जो घेराबंदी कर रहा है, तो तय करना होगा केंद्र सरकार से लड़ना है या डरना है, ये कहा गया है। और आपका ट्वीट पर भी देखिए, ट्वीट पर गुस्सा, 12 लाख ट्वीट हुए और रिट्वीट भी हो रहे हैं कि आपका एग्जाम पोस्टपोन कराया जाए। बट मुझे तो नहीं लगता आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि इसके बाद भी क्या फैसला आया है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आगे भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है देरी का गंभीर असर होगा आईआईटी, यदि देरी होती है एग्जाम में तो इसका गंभीर असर होगा, ये कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है परीक्षा में देरी से अकादमिक कैलेंडर के साथ छात्रों के करियर पर भी गंभीर असर पड़ेगा, ये कहा गया है कि यदि आपके एग्जाम में देरी होती है तो जाहिर सी बात आपके उस पर करियर पर गंभीर असर पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या फैसला आया है। देखिए जैसे आप इसमें देख रहे होंगे सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी, तो आपकी परीक्षा की तैयारी हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया साफ, समय पर ही होगी जेई मेंस और नीट। तो ये साफ कह दिया गया है कि आपकी समय पर ही होगी, जो आपकी एग्जाम डेट है उसी एग्जाम पर ही होगा। नीट आपकी 13 सितंबर को कराई जाएगी और जेई मेंस भी कब कराई जाएगी उसमें भी बताया गया, तो आपकी उसी डेट पर कराई जाएगी। तो आगे देख लेते हैं हम, देखिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है नीट के प्रवेश पत्र भी जारी, अब तक 14 लाख से ज़्यादा डाउनलोड। अब नीट के एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और कई लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं, तो आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट आपके एग्जाम की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए नीट में पंजीकृत छात्र 15.97 लाख, प्रवेश पत्र डाउनलोड कितने कर चुके हैं 6.84 लाख, और जेई मेंस में पंजीकृत 9.53 लाख, और एडमिट कार्ड कितने डाउनलोड कर चुके हैं 7.41, इतने लोग एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर चुके हैं। तो और आगे देख लेते हैं, देखिए जैसे आप देख रहे होंगे छात्रों के प्रवेश पत्र ही होंगे पास, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको आपका क्या होगा वही आपका पास होगा। यदि किसी छात्र का घर कंटेनमेंट क्षेत्र में है तो उसे बाहर जाने की अनुमति होगी, तो वो भी उसको भी अनुमति मिलेगी, उसके प्रवेश पत्र ही
पास माना जाएगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वही आपका पास माना जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्रों पर तैनात होने वाले अधिकारी के जारी ऑर्डर उनके पास माने जाएंगे। छात्रों के बेहतर आवागमन के लिए राज्यों को विशेष इंतजाम करने के लिए कहा गया है। तो राज्यों को भी विशेष इंतजाम करने के लिए कहा गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे कहा गया है, परीक्षा केंद्रों पर भीड़ से निपटने के भी रहेंगे खास इंतजाम। तो उसके भी खास इंतजाम रहेंगे। एनटीए ने परीक्षा केंद्रों पर होने वाली भीड़ से बचाव के लिए भी व्यापक इंतजाम किए हैं। तो इसके भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें छात्रों के साथ आने वाले अभिभावकों को परीक्षा केंद्र के पास खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। तो परीक्षा केंद्र पर खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं छात्रों को एक एक करके ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद भी उन्हें एक एक करके बाहर निकलने दिया जाएगा। एक एक करके एंट्री होगी, एक एक करके ही आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। इसके लिए एनटीए की ओर से हर केंद्र पर अलग से टीम तैनात की जाएगी। तो इसके लिए भी अलग से टीम तैनात की जाएगी। तो आगे देख लेते हैं। देखिए आगे इसमें कहा गया है, शिक्षाविदों ने कहा परीक्षा टालने को लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। यदि आपकी परीक्षा स्थगित की जाती है तो ये आपकी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, भारत और विदेश के 150 से ज़्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा है। तो पत्र लिखकर क्या कहा है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए कि जेई, आप देख रहे होंगे जेई मेंस और नीट को और टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो सही है, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। शिक्षाविदों ने कहा कि कुल लोग राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोरोना से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, ये भी कहा गया है। तो आपने ये भी देख लिया है। और आगे देख लेते हैं, 7 रात सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले फैसला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले से आ ही चुका है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आपका एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा। देखिए इसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 अगस्त को कोरोना महामारी के चलते नीट और जेई को टालने की मांग खारिज कर दी थी। तो पहले ही खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत का कहना था कोरोना के कारण जिंदगी नहीं रोकी जा सकती। तो कोरोना के कारण जिंदगी नहीं रोकी जा सकती है, हमें सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। आप लोग छात्र हैं, क्या आप एक साल बर्बाद करने को तैयार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीठ ने एक वकील से सवाल भी किया था, तो क्या सवाल किया था उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट नियमित ढंग से खुलना चाहिए। कोर्ट भी सामान्य तौर पर खुलने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में परीक्षाएं टालने की मांग कैसे की जा सकती है। कोर्ट भी समय पर खुलने की तैयारी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे में परीक्षाएं टालने की मांग कैसे की जा सकती है। तो ये भी बात सही है। तो आपका एग्ज़ाम अब तय समय पर ही कराया जाएगा, जैसे आपने यहाँ देखा था कि एनटीए ने साफ कहा है कि आपका एग्ज़ाम तय समय पर ही होंगे। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा। जैसे कि आपका नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को कराया जाएगा और आपका जेई 1 से 6 सितंबर को कराया जाएगा। तो अब आपका एग्ज़ाम तय समय पर भी होगा। तो आगे और भी देख लेते हैं। देखिए नीट के लिए आया, एक कमरे में 12 छात्र ही बैठेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई नीट की परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए इसके तहत परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र आपके बढ़ा दिए गए। नीट की परीक्षा के दौरान एक कक्षा में 24 की जगह 12 अभ्यर्थी बैठेंगे। देखिए तो पहले 24 बैठते थे, अब 24 नहीं ओनली
12 ही बैठेंगे। तो ये भी आपने देख लिया है, तो आपका एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा। फिर भी कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन है तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। और ये सारा मैं जो पेपर कटिंग है, जो भी न्यूज है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।